दोस्तों आज हम जानने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स में कौन कौन से फाइटर जेट अवेलेबल हैं और साथ में उनकी संख्या कितनी कितनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिसॉल्ट राइफल की। 26 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में शामिल और 10 फाइटर जेट बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। नंबर 2 पर आता तेजस मार्क 1 जिसे इंडिया के अंदर ही बनाया गया था। नंबर 3 पर आता सुखोई Su-30MK जो कि रशियन ओरिजिन फाइटर जेट है। और ऐसे कुछ 250 से भी ज्यादा फाइटर जेट भारत की वायुसेना में अवेलेबल है और इसके अलावा भी 110 से भी ज्यादा MiG-21 भी है जिसे इंडियन पायलट्स के लिए कॉफिन भी कहा जाता है। 2025 तक इसकी जगह तेजस मार्क 1 ले लेगा। और इसके बाद मिग सीरीज का एक और फाइटर जेट है जिसका नाम है MiG-29 वो भी इंडियन फोर्स में शामिल है जिसके 66 यूनिट अभी इंडियन फोर्स में रनिंग में हैं। इसके अलावा बात करते हैं अगर जैगवार की तो जैगवार की 120 यूनिट भारत के पास अवेलेबल है जो की शॉर्ट कॉम्बैट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और उसके अलावा अगर बात मिराज 2000 की कम से कम 50 यूनिट भारतीय वायुसेना के पास अवेलेबल है। दोस्तों वैसे क्या आपको लगता है कि इंडियन फोर्स को और फाइटर जेट खरीदने की जरूरत है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।